हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल में। आज ये हमारा लामा एपिसोड है। एक प्लास्टिक कैन पर लामा का बॉडी बनाएं, सावधानी से काटें। अब ड्राइंग पेपर से रोल बनाकर पेपर टेप से चिपकाएं। ये बन गई लामा की गर्दन। अब न्यूज़पेपर से कुछ ऐसा शेप बनाएं, बहुत अच्छी। हमें ज़रूरत होगी फेविकॉल की। कुछ इस तरह प्लास्टिक कैन पर पेपर रोल और न्यूज़पेपर से बने आकार को चिपकाएं, कुछ इस तरह। बहुत अच्छे, ये है लामा के बॉडी का हिस्सा। अब हमें ज़रूरत होगी वॉल पुट्टी डो की। इसे बनाना आप हमारे चैनल से आसानी से सीख सकते हो। लामा के बॉडी पे वॉल पुट्टी क्ले कुछ इस तरह लगाएं। ऐसे ही बाकी के हिस्से को बड़ी सावधानी से पूरा करें। और हाँ, इसे गीले ब्रश और हाथों से फिनिश करना बिल्कुल ना भूलें। फिनिश करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें, वॉल पुट्टी डो 2 घंटे बाद पूरी तरह सूख जाता है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमारा काम शुरू रखें। वॉल पुट्टी किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगी। हमारा लामा पूरी तरह सूखने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, आप देख सकते हो। अब बारी है डिटेलिंग करने की। इसमें हमारा आर्ट स्किल काम आएगा। लामा का फेस कुछ ऐसा बनाएं, आप देख सकते हो। और फिनिश करने के लिए गीले ब्रश का उपयोग करें। ऐसे ही एक परत बनाकर लामा की गर्दन का हिस्सा बनाएं और उसे फिनिश करें, बहुत अच्छे। पूरी तरह सूखने के बाद हमारे लामा को डेकोरेट करना है। डेकोरेट करते वक्त परफेक्शन पर पूरा ध्यान रखें। क्या बात है, बहुत अच्छे। टेक्सचर बनाने के लिए नोकीली चीज का उपयोग करें। देखो हमारा लामा कितना सुंदर दिखने लगा। ऐसे ही एक लड़ी बनाकर लामा की शॉल पे कुछ इस तरह लगाएं। अब हम लामा के गर्दन को डेकोरेट करेंगे कुछ इस तरह, और उसे नोकीली चीज से टेक्सचर बनाएं, बहुत अच्छे। अब हमें लामा के कान कुछ इस तरह बनाने हैं, आप देख सकते हो। ऐसे ही हमें लामा के पैर बनाकर सूखने को छोड़ दें। फेविक्विक की सहायता से लामा के कान और पैर कुछ इस तरह चिपकाएं। अब ऐसे ही लामा की पूंछ चिपकाएं, आप देख सकते हो। अब बारी है लामा को रंगने की, जिसमें हम एक्रेलिक रंगों का उपयोग करेंगे। लामा को पूरी तरह सफेद रंग से रंगने के बाद लामा को हम चटकीले रंगों से रंगेंगे, जिसमें हमारा लामा हैंडसम दिखे। लामा को रंगते वक्त डिटेलिंग पर ध्यान रखें, कुछ इस तरह, आप देख सकते हो, बहुत अच्छे। अब बारी है लामा के आंखें रंगने की। आंखें रंगने के लिए काले रंगों का उपयोग करें। ऐसे ही मुंह और नाक को रंगे, कुछ इस तरह। देखो दोस्तों, हमारा लामा कितना सुंदर दिखने लगा। ऐसे ही पैरों को काले रंगों से रंगे, कुछ इस तरह, बहुत सुंदर। देखो कितना सुंदर दिखने लगा हमारा लामा, है ना सचमुच प्यारा प्यारा। अब बारी है लामा को डेकोरेट करने की। डेकोरेट करने के लिए हम इन चीज़ों का उपयोग करेंगे। और हाँ, हमारे ऐसे ही न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखो तो हमारा लामा कितना सुंदर दिखने लगा, मैं ऐसे मेरे ड्राइंग रूम में रखूँगा। बाय बाय, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।